कैलाश पर्वत को उठाने का विचार कर लिया और कैलाश पर्वत को उठाकर एक और रखने का विचार कर चिंगार दिया, हाथ दब गए। तब क्षमा मांगी भगवान देवाधिदेव महादेव से। जिस समय चिंगार रहा था उस समय पर जो साथ में रहने वाले थे वो भी भाग गए थे, कोई बच्चा ही नहीं था, कोई नहीं बचा। सुख की घड़ी में सब साथ देंगे पर दुख की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। वो दुख की घड़ी में केवल एक ही है, वो कालाधिपति महाकाल राजा, वो आपका साथ देगा, ये निश्चित। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। आप सब बोलो, दीनानाथ तू नहीं बोलेगा, जितने बैठे हो सब इस लाइन को बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, मेरे बाबा दया मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया मैं तेरे, ना घर के ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। उसको पुकारना, उसके भक्ति में उसके विश्वास में डूबना। सब चले जाएंगे, रावण को छोड़कर भी चले गए जब हाथ दब गए। जब व्यक्ति दबता है, जब व्यक्ति के ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है, जैसे रावण के हाथ पर पर्वत रखा गया, जब दुख का पहाड़ मनुष्य पर टूटता है तब सब छोड़कर चले जाते हैं। सब कौन साथ देगा, कौन देगा? एक गुजरात के कोई भाई ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उसने लिखा है कि मुझे लिखना भी नहीं आता, मेरी भाषा समझे ना समझे। आइसक्रीम का ठेला लगाता है, जिसने लिखा होगा वो अगर बैठा होगा तो दोनों हाथ हिला देना, भाई पत्र ढूंढूंगा फिर पढ़ूंगा, पत्र ढूंढूं वो फिर पढ़ू, तो कोई बैठा हो वो तो हाथ हिला देना। आइसक्रीम का ठेला लगाता था, एक बार आइसक्रीम के ठेले में घाटा लग गया, किसी से पैसा ले आया और पैसा लाकर फिर वापिस आइसक्रीम के ठेले में लगा दिया, उसने वापिस लगाया और फिर ठेले में लगाया, फिर कर्जा हो गया, कर्जा बढ़ते चले गया, बढ़ते चले गया, बढ़ते चले गया। आखिरी में करे क्या, रोता बिलखता, रोटी तक लोग खाने नहीं देते, ठेला उठाकर ले गए, रोड पर बैठकर सब्जी का सामान बेचने लगा। सब्जी का सामान बेचते बेचते सब्जी की टोकरी भी उठाकर ले गए, जिनका कर्जा देना था। पत्र देखिए उसने लिखा, बैठा हो तो हाथ उठाना, और सब्जी की टोकरी भी उठाकर ले गए उसकी, नहीं बचे। जब भी वो कोई काम करता जिसका कर्जा था वो उठा उठा कर ले जाता, बड़ा दुखी, बड़ा तकलीफ। करे तो करे क्या, आखिरी में उस कतार पर पहुंच गया कि अब इस प्राणों को नहीं रखना। तब उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार पशुपति व्रत कर लेते हैं, अगर बाबा चाहेगा तो कर्जा तो चुकाएगा। सियोर वाला महाराज कहता रहता है करे तो सरी। और बहुत प्रयास करा उसने, पत्र है इसमें, बहुत प्रयास। पशुपति व्रत प्रारंभ करे, शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आंवले के वृक्ष की पूजन चालू कर दी, जो पहले कार्तिक महत्तम में वर्णन करे,
उसने पत्र में लिखा है, गुरुजी दो सोमवार निकले, कोई रोज निकल कर जाता था, उसने देख लिया और उसने कहा मैं डलिया छुड़वा देता हूँ, ठेला छुड़वा देता हूँ, और उसने मेरा ठेला छुड़वाया। मात्र 20-22 हजार का कर्जा था, मैंने फिर बाबा का नाम लेकर आइसक्रीम का ठेला चालू करा और बाबा की कृपा से कर्जा भी चूक गया। अब 4 ठेले बाबा की कृपा से आइसक्रीम के चल रहे हैं। शिव तत्व विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, छूटना नहीं चाहिए। आएगा दुख, दुख की घड़ी होती है तो सब हाथ खींच लेते हैं। लंकापति रावण का हाथ कैलाश के पर्वत में दब गया, और कैलाश पर्वत में इसलिए दबा क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको यह अंदाजा था कि यहां शंकर जी बैठे हैं, महादेव बैठे हैं। असुरों से भगवान का कोई बैर नहीं था, पर देवताओं का बैर था, इसलिए महादेव उनके कल्याण का कार्य करते हैं, कल्याण का। अब छूटे कैसे? प्रार्थना करी देव अधिदेव महादेव से, प्रभु कृपा करिए, मेरा हाथ पर्वत में दब गया है, करुणा करिए। महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, एक लोटा जल चढ़ाया और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी सहजता, इतनी सरलता मेरे महादेव। किसी देवता को जितना अपशब्द नहीं कहा जाता, उतना अपशब्द महादेव को कहा जाता है। भगवान विष्णु को कोई आड़ा टेढ़ा नहीं बोलता, ब्रह्मा जी को कोई आड़ा टेढ़ा नहीं बोलता, इंद्र को कोई आड़ा टेढ़ा नहीं बोलता, सबसे ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोलते हैं तो महादेव को बोलते हैं। गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, नग्न वेशधारी है, नग्न स्वरूप, बैरागी है, तांत्रिक है, विद्यालय करने वाला, अघोरी है, अड़भंगा है, शमशान में रहने वाला है, भस्म रमाने वाला है, कितने कितने शब्द महादेव को बोले जाते हैं, कितने शब्द। उसके बाद भी कर्पूर गोरम करड़ा, उसके बाद भी शांत है, सहज है, उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या बोल रहा है, उसे कोई मतलब। घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलना, कभी भी लात मार देते हैं। जम के बोलो जरा, किसके पीछे नहीं चलना और किसके आगे नहीं चलना, सीख के जाना है शिव पुराण में से। घोड़े के पीछे कभी मत चलना, पैसे वाला बहुत करोड़पति है उसके आगे मत चलना, बहुत धनपति हो, ज्यादा व्यापार चल रहा हो, खूब उसके पास में गाड़ी बंगला हो, उसके आगे मत चलना। घोड़े के पीछे चलोगे और पैसे वाले के आगे चलोगे, कभी भी लात मार देगा, पर मेरे महादेव के साथ चलोगे तो जिंदगी को तार देगा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, हमारे सेठ जी, दानवीर सेठ जी, करोड़पति सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी करके कब तुम्हें लात मार देगा पता नहीं पड़ेगा। री जी जी और जी जाओ, बहुत सावधान। और घोड़ा के पीछे मत चलना, घोड़ा भी कभी भी लात मार सकता है, कभी भी। अगर चलना तो मेरे महादेव के पथ पर, मेरे महादेव के मंदिर के द्वार पर, मेरे शिव की चौखट पर चलना, वो हाथ पकड़ कर तार दे मेरा महादेव।